देखो भाग के जा रही है ये, इसको पता है इसने क्या किया है। मेरे को जवाब दे इस बात का, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? हाँ इधर देख, तू चीजें बर्बाद करेगी ऐसे। चल तू अब इस बाथरूम में अभी थोड़ी देर बंद रहेगी, जा रो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं उठा हुआ सुबह 6:30 से, काम कर रहा था कुछ, और अभी बच्चे गए नीचे घूमने, मुझे लग गई है बहुत तेज भूख। तो संभावना ने जैसा कि कल मुझे हाफ फ्राई बनाना सिखाया था सनी साइड अप, बड़ी देर से हिम्मत कर रहा हूँ बनाने के लिए, हिम्मत हो नहीं रही है, तो वो शाम को बनाऊंगा सोच रहा हूँ। पहले मैं एग बॉईल कर लेता हूँ सुबह के लिए, वो शाम को करेंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह इतना तामझाम करने का मन नहीं कर रहा मेरा, और मैं काम भी कर रहा हूँ तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बनाने में। तो शुरू करते हैं अंडे उबालने से। हाँ जी बेटा। ओके, आगे घूमी करके क्या? ओके, चल। तो जी इस बर्तन में लग रहा है कि पानी उबल के गिरने का खतरा कम है, तो अभी मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे। अब बस मुझे भगवान याद दिलाए कि मैंने अंडे चढ़ाए हुए हैं गैस पे, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, फिर फट जाते हैं अंडे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कई बार होता है, इसलिए गैस को एकदम कम पे कर देते हैं। चलते हैं अपने काम पे। चलो आपको घूमनी चाहेंगे, पहले से आके ना यहाँ तैयार हो जाता है, इस रूम में आके शिफ्ट हो जाता है कि ये रूम वेटिंग रूम है घूमने के लिए, जब वो घूम के आएंगे तब मैं जाऊंगी, वेटिंग खत्म। चलो तो जी, मेरी बेबी उठ गई है, बेबी के लिए कॉफी भी बना दी है, और बेबी विल बी सो प्राउड ऑफ मी। ये देखो 4 अंडे उबाले हैं, और उसमें नमक मिर्च भी डाल ली है, और छील भी दिए हैं, छील दिए हैं, काट दिए हैं, अब बस खाना बाकी है। लेकिन वो अंडे के लिए देखो ना कितने उम्मीदवार खड़े हैं। क्या है, कितना लाड चाहिए तेरे को, कितना लाड चाहिए। अरे 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 अरे, ये लो। तुम लाल कुत्ता कैसे बन रही है, लाल बादशाह? हाँ अरे भाई क्या करूं, अरे 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 अरे, इतना लाड क्यों, कॉफी तो पीने दे मेरे को। अच्छा, मैं नहा के आ गई हूँ, गुड मॉर्निंग अगेन, क्योंकि उस समय तो मैंने बात नहीं करी, और अभी नहा के एकदम तैयार होके अपने एक्सरसाइज के लिए तैयार हो गई हूँ। यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हैं जो मुझे भी सेटल करने हैं सारे, तो अभी तय लगा के रख दिए, और अभी एक एक करके सारा मैं अंदर रखूंगी। ये मेरा बाबू यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरा कैंजू मामा बैठा हुआ है, बाहर मेरी चेरू बेबी बैठी हुई है, धूप सेक रही है, धूप आज ज्यादा आई नहीं है लेकिन फिर भी धूप सेक रही है। मुझे थोड़ा सा आना है क्या? तू कपड़े मत खराब कर, मारूंगी तेरे को मैं, चल चल यहाँ पे, आजा। लड़की, मेरे को थोड़ा पौधों में पानी वगैरह डालना है, वो मैं डाल दूँ जरा, और दत्ता का विनाश भी आ जाएगा, मेरी एक्सरसाइज का टाइम भी हो जाएगा। आज डलेगा पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी, बाकी सारे पौधे ना एकदम सूख गए हैं, आई डोंट नो, अंदर वाले उल्टा नहीं सूखे हैं, बाहर वाले सूख गए हैं। सारे पौधे सूख गए हैं लेकिन पानी डाल देती हूँ, अपने आप फिर उभरेंगे बाद में। मामा तो चाय हो जाओगे, बिल्कुल ही सूख गए, पता नहीं क्यों ये होता है क्या विंटर्स में। चेरू ना बाबा, किचन मेरी एकदम क्लीन हो गई है, अब चलते हैं बाहर, आ जाओ, चलो बाहर, फैन बंद कर रही हूँ। छुन, ये क्या किया है, ये देखो इसने क्या किया है। जब तक मैं नहा रही थी ना तब तक इसने मेरी पैंटी फाड़ दी, पूरी पैंट फाड़ दी है इसने। ये क्या है, कम यार, भागना नहीं है, कम यार। मुझे लगा था ये कुछ खुराफात कर रही है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये नई पैंट फाड़ देगी। क्या किया ये, हाँ ये क्या है, ये नहीं, ये नहीं चलेगा, मेरी नई पैंट फाड़ी है तूने। ये देखो ये क्या है, ये क्या है। छुन, ये नई करतब शुरू गई तू, हाँ इधर आ, बर्बाद कर दी ना पूरी, इधर मेरे पास। ये क्या किया ये, भागी कहाँ है, कहाँ भाग रही है तू, देखो भाग के जा रही है ये, इसको पता है इसने क्या किया है।
ये मेरे को जवाब दे इस बात का, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? हाँ इधर देख, इधर देख, तू चीजें बर्बाद करी कैसे? लगाऊं थप्पड़ ये क्या है, ये क्या है? मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, बात ही नहीं कर रही मैं तेरे से। क्या किया ये? हाँ क्या किया ये? अब चेरी की आड़ ले रही है। ये क्या है ये? हाँ ये पहनने लायक छोड़ी तूने? बदतमीज ना हो तो। चल तेरे को मैं बाथरूम में बंद करूंगी, अब चल तेरे को बाथरूम में बंद करूंगी। चल तू अब इस बाथरूम में अभी थोड़ी देर बंद रहेगी, जा रो। ये कोई तरीका होता है? इसको पनिशमेंट नहीं दूंगी तो इसको समझ नहीं आएगा। आप लोग प्लीज बचाना मत इसको, ये कोई तरीका नहीं होता। कह रहे बड़ी हो गई है, अब ये हरकतें शुरू हो गई है। नई मेरी इतनी महंगी पैंट थी ये, और मैंने नई ली थी अभी, इसे फाड़ दी, बैठी रहे तू। और अभी अविनाश होता ना तो कहती बच्ची है, जाने दो, मत करो। ये इसी ने इसको ज्यादा बिगाड़ा हुआ है। तू कुछ बोलना नहीं, चुपचाप बैठ जा, अपने बच्चे को बचा मत। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि नहीं बच्चे हैं, प्यारा सा मुंह बना लेती है तो आप डांटो मत इसको। ये करना बहुत जरूरी है। ये अभी ये चीज खाई है, उसके पहले ये एप्पल के ईयरपॉड्स खा गई थी, ये सब करती रहती है, ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। मुझे बहुत गुस्सा आया है, मैं अभी इसको निकलने नहीं दूंगी। और आए आज अविनाश इसको बचाने की कोशिश करे, मैं बताती हूँ अविनाश को भी। 5 मिनट हो गए हैं उसको बाथरूम में बंद किए हुए, वो रो ही नहीं है। लेकिन नहीं, मुझसे बात ही मत करो। चलो वहां जाके बैठो, चलो वहीं से दे, चलो। नहीं कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, चलो। ये आप करोगी दोबारा? ये देखो ये करेगी दोबारा? हाँ इसको सब पता है, आपको लग रहा है इसको नहीं पता है, इसको सब पता है। इधर आ मम्मी के पास आओ, इधर आओ मम्मी के पास। देखो डरी हुई है, पता है उसको सब किया है इसने। शिट यार, ऐसी जगह से खाई है ना कि ठीक भी नहीं हो सकती। ये दोबारा करोगे? हाँ ये देखो, दोबारा करोगे? मैं इस चीज पे लाड नहीं करने वाली। ये पता है ना क्या किया है, ये क्या किया है? हाँ कोई बदतमीजी की हद होती है। छुन छोटी है मतलब ये थोड़ी तो करती रहेगी कांड। क्या ये जवाब है इस बात का? बिल्कुल बात मत करना मुझसे, चुपचाप बैठी रहे यहाँ पे। आज इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर अविनाश ने इसको बचाया ना तो मैं अविनाश को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे ना धीरे धीरे से मनाने की कोशिश कर रही है, आंखों में आंसू ले हुए हैं, पूरे आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये देखो पूरे आंखों में आंसू भरे हुए हैं समय, ये देखो अच्छे खासे आंसू, मोटे मोटे आंसू भरे हुए हैं। करेगी दोबारा? सॉरी फील कर रहे हो आप? जो आपने किया उसका सॉरी फील कर रहे हो? कैंडू आप इसमें मत पड़ो, आपकी बेटी ने किया है ये, ठीक है? तो आप बुरा फील मत करो, चेरी भी उसको बचाने आई है। देखो जरा, देखो बताओ, आपको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ? पूरे आंसू भरे हुए इसने आंखों में। करेगी दोबारा? बेबी अगर तुम इसको बचाना शुरू करोगे ना तो ये बहुत गलत हो जाएगा, ये बहुत गलत है। बचाओ मत इसको, इसने आज जो किया है ना, मेरी पूरी पैंट फाड़ी है इसने। ये देखो, और उसको अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये देख लो, ये ठीक भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेबी, इसमें उसको डांटना जरूरी है, उसकी गलती है, और इसको भी सतर्क कराना जरूरी है, क्योंकि इस पैंट को मैं एक हफ्ते से बेड के ऊपर देख रही हूं। अभी वो आएगा कहेगा हमारी इसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, हम रख देते हैं चीजें। अरे 5 मिनट के लिए तय लगा के तो मैं रखूंगी ना, उसी में ये कांड कर देगी तो क्या करूं मैं? कैसे? अरे मैंने अभी रखी है बेड पे, तुम एक हफ्ते से कैसे देख रहे हो? कल रात को मैंने इसको बेड पे देखा था, परसों मैंने इसको चेक। बेबी तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो बाहर से धुल के तय लगा के रखी है। तो मैंने कल कैसे देखा जब मैंने? मुझे नहीं पता तुम कौन सी पैंट देख रहे हो। जो भी है अभी हमको, वो देखो कोने में बैठी हुई है वहाँ जाके चीजें। अब तुमको ना, तुम बेबी तुम उस पे तरस मत खाओ इस समय। मैं तरस नहीं खा रहा, मैं क्यों तरस खाऊंगा? जो उसने गलत किया वो किया है, लेकिन हमने भी जो गलत किया वो भी ध्यान देना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, हमको भी अपनी चीजें थोड़ा ध्यान से रखनी पड़ेगी, कुछ भी ऐसे बाहर लटका फटका नहीं रह सकता। उसके सिर्फ टॉय उसकी रीच में रहने चाहिए और कुछ नहीं। कोने में जो बैठी है ना, मुझे मेरे को बराबर पता है वो क्या कर रही है। इस समय पूरे आंसू लेके बैठी हुई है वो, मेरे को तरस तो बहुत आ रहा है लेकिन मैं क्या करूं? नहीं उसने तो टॉय समझ के काटा है ना, उसको थोड़ी पता था ये पैंट है। मुझे तो पता ही था ये होने वाला है। कैंडी क्यों डरी हुई है? कैंडी डरी हुई है, उसकी बेटी को डांटा है ना, तो वो कह रही है मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हो? वो देखो कैसे कोने में जाके सो गई है। देखो तुमने तो बाथरूम में बंद किया है। हाँ बाथरूम में ही बंद किया मैंने। उसे क्या समझ में आएगा क्यों बंद किया है? बेबी समझ में सब आता है उसको, आंखों में आंसू लेके बैठी हुई है वो। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं फटाफट निकल रही हूँ लोखंडवाला के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी छुनछा ने पैंट खा ली है, तो वो पैंट चेंज कराने जा रही हूँ। आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है इसको। तुम्हारी इतनी फेवरेट पैंट थी क्या वो? हाँ मुझे अच्छी लगती है, मैं पहनती हूँ वो यार। ओह अच्छा, तो
उसकी कॉल, तो पहले दुकान का नंबर है तो फोन करके पूछ लो ना। नहीं नहीं, मैं अब जाके ले ही लूंगी, चेंज करा लूंगी। टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो, फोन करके पूछ लो कि भैया है क्या। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ लोकलवाला। इसी वजह टाइम बर्बाद हो रहा है। मैं जा रही हूँ लोकलवाला, तो मैं बाहर ही मिलूंगी और उसके बाद मैं घर आके फिर बच्चों को घुमाने जाऊंगी। तो अभी आपको मिलती हूँ मैं लोखंडवाला। अगर पैंट चेंज करा ली, मतलब मिल गई मेरे को उसकी दूसरी, तो मैं ले लूंगी। नमस्ते दोस्तों। तो जी मैं लोखंडवाला से निकल गई हूँ, निकल रही हूँ, क्योंकि जो मेरे को पैंट्स चाहिए थी वो अभी स्टॉक में नहीं है, लेकिन वो मुझे भेज देंगे कह रहे हैं घर पे। तो वो कह रहे रात तक भेजेंगे, नहीं तो कल भेजेंगे। तो मैं वेट करूंगी। और भी एक आध पैंट्स मुझे अच्छी लगी तो उन्होंने कहा हम आपको भेज ही देंगे। तो जैसे ही वो भेजेंगे मैं ट्राई करके मैं फाइनल करके बता दूंगी कि मुझे कौन सी चाहिए। एनीवे एक लेने गई थी, दो तीन तो मैं ले ही लूंगी। भैया रुकना, भैया चलिए। मैं चली थोड़ी कॉफ़ी पीने, अविनाश वहीं पे अपनी मीटिंग ख़त्म करेगा, तब तक मैं कॉफ़ी पी लूँगी, एक आध अपने फ्रेंड्स को मिल लूँगी वहाँ पे, और उसके बाद बच्चों के पास दौड़ूंगी वापस, क्योंकि मुझे चेरी को, चुन चुन को, कैंडी को नीचे लेके जाना है खिलाने के लिए। तो जी संभावना आ गई है घर पे और अब हो रही है क्षमा मांगने की प्रक्रिया शुरू। अब माफी मांग रही है चुंचा से। आ जाओ मेरे बच्चा मैं खाना दूंगी। तो क्यों बंद किया था बाथरूम में जब माफी मांगनी पड़ी तो? मेरी फ्रेंड मुझे मिली थी और उसने बच्चों के लिए और मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट दिया है, तो बच्चे ऑलरेडी अपना गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए रेडी है। और थैंक यू सो मच राधिका। ये देखो आया पहला तो चेरू का बॉल। बॉल आया चेरू। ओके, ओह अच्छा, चेर बॉल, न्यू बॉल। ओके, खोल दूं इसको? मैं खोल दूं क्या? आप देख रहे हो इसका क्रेज बॉल का? ये देख। अच्छा खोल के देती हूँ तेरे को, खोल के देती हूँ। और एक ये दिया है स्टारफिश बच्चों के लिए। बाबा कैंडी, तेरे को कोई शौक नहीं है टॉयज का, कुछ तो शौक रख गंदी लड़की। आप लोगों के लिए स्टारफिश आई है मैं बाबू। और मेरे लिए ये कप दिया है, मैं मुख दिखाती हूँ। ये रहा कप। इट्स वेरी नाइस मग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स गो। आज बेटा बंद कर ना। चलो आ गए हम लोग। आओ बिल्ली बेबी को खाना देंगे, नीचे को मिलने करेंगे। आ जाओ, चलो आओ। कप चेरी कप, खाना दूँ? खाना अच्छा। हाँ जी, चलो खाना देंगे आपको। भैया ये फाड़ के देना मेरे को जरा। चेरू आओ, खाने ये फेंक दो भैया। चलो ये आ जाओ। चलो लेट्स गो। चलो छोड़ दो बस। अरे सुनसा का नया गिफ्ट आया, देखा नहीं? क्या गिफ्ट आया? सुनसा का नया गिफ्ट आया। राधिका लाई है इनके लिए, इनके लिए। वो तब से खेल रही है, लगी हुई है। मजा आ गया, पसंद आया। हाँ हाँ ये देख लो जी, रात के 11 बजे ये क्या कर रही है। के अंदर इतनी एनर्जी है ना, वो दोनों सो चुकी हैं वहाँ पे। इनफैक्ट नीचे कैंडी भी नीचे ही सोई हुई है इस समय। इसको उसकी ना सीटी निकालनी है बाहर, ये जो बज रही है ना इसकी सीटी निकाल के परे मारनी है। तो जी अविनाश कर रहा है अपना काम बाहर, मैं चली सोने, क्योंकि मेरी हालत आजकल इतनी ख़राब हो जाती है ना रात आते आते तक। अरे चुप कर लड़की, मेरी आते आते तक इतनी हालत ख़राब हो जाती है रात को, मैं क्या बताऊँ। आपको मिलूंगी कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेट एंटरटेनमेंट। हालत बहुत खराब है। अमिता वापस आ जा, अमिता।